आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मायावती के एक्स पर किए गए पोस्ट की। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर हमला किया है। राहुल गांधी गुमराह करने वाली बातें करते हैं और अब राहुल कह रहे हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने एससी एसटी का आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया था। कांग्रेस सत्ता में रहते हुए आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया था। मायावती राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जो आरक्षण पर स्टेटमेंट दिया उसके बाद अब राहुल गांधी एक तरफ जहां सफाई देते नजर आ रहे, तो दूसरी तरफ मायावती उनको घेरती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने एससी एसटी का आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया था। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए बिल पास नहीं होने दिया और मायावती ने एक्स पर राहुल गांधी पर हमला किया है। एक्स पर लिखते हुए राहुल गांधी गुमराह करने वाली बातें करते हैं। मायावती राहुल गांधी पर हमला करते हुए बोल रही है, कह रहे हैं कि अब राहुल कह रहे हैं वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने एससी एसटी का आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया था। कांग्रेस ने सत्ता में रहते बिल पास नहीं होने दिया, ये बात कहते हुए नजर आ रही हैं मायावती। तो मायावती ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और देखिए देश में आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसकी मुखालफत जो भी करेगा या जो भी आरक्षण के विरोध में बात कहेगा वो जाहिर तौर पर निशाने पर आएगा, क्योंकि आरक्षण के नाम पर अलग अलग पार्टी अपने अपने लिहाज से राजनीति करती हुई नजर आती है। अब ऐसे में एक तरफ जब मायावती की बात की जाती है जो दलितों की झंडाबरदार खुद को प्रदर्शित करती हैं और इसी पर उनकी सियासत भी टिकी हुई है, ऐसे में रिजर्वेशन के मामले पर राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर वो घेरती हुई राहुल को नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि राहुल गांधी आज बात कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस से सत्ता में रहते खुद एससी एसटी बिल पास नहीं होने दिया। राहुल गांधी पर हमला बोल रही है मायावती और तीन लगातार ट्वीट किए, राहुल गांधी गुमराह करने वाली बातें करते हैं। मायावती ने पहले जो एक एक्स पर पोस्ट किया उसमें वो कह रही हैं कि गुमराह करने वाली बात राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने दो और एक्स पर पोस्ट किए।